हम 18 अध्याय पे हैं। इसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इसमें कुल 78 श्लोक हैं। तो हमने अभी तक फर्स्ट फोर सेक्शंस किए थे, आज हम लास्ट टू सेक्शंस करेंगे, 56 टू 66 और 67 टू 78। 56 टू 66 में हम देखेंगे कि कैसे शुद्ध भक्ति कृष्णा भावनात में कार्य हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, भगवान की शरणागति बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर 67 टू 78 में हम देखेंगे कि भगवान इसका निष्कर्ष देते हैं, और उसके बाद अर्जुन अपना एक्सपीरियंस और संजय जो उन्होंने भगवद्गीता सुनी तो वो कितने थ्रिल्ड थे, कितने खुश थे। और फिर वह लास्ट में 78 में कहते हैं कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन है वहीं पर विजय होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे भगवान अंत में भक्ति को यहाँ पर ग्लोरीफाई करते हैं, है ना, शुद्ध भक्ति को। हमने देखा कि पहले उन्होंने कर्मयोग से स्टार्ट किया, क्योंकि ये चैप्टर रिविजन है पूरी भगवद्गीता का। कर्मयोग के बाद उन्होंने समझाया कि कैसे गुण हमें कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम कैसे अगर वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा धीरे धीरे, और फिर हम कर्म योग से ब्राह्मण स्तर पर आ सकते हैं। ब्राह्मण स्तर का मतलब है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहां हम रियलाइज करेंगे कि हम आत्मा हैं और हम शरीर के स्तर पर नहीं है। और जब हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं तो उसको कहते हैं हम ब्राह्मण स्तर पर। अब ब्राह्मण स्तर से कैसे हम परमात्मा के रियलाइजेशन पे पहुंच सकते हैं, और कैसे परमात्मा के अनुभव के बाद हम भगवान रियलाइजेशन पे पहुंच सकते हैं, जो कि टॉप मोस्ट है। तो धीरे धीरे भगवान हमें प्रोग्रेस कर रहे हैं इस चैप्टर। शुद्ध भक्ति कृष्णा भावना उसमें कार्य। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी लवलीन जी पढ़िए। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वानो मद विप्रसः मत मत परिषदद अवापनोति सत्स्वतम पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो आपने देखा यहाँ पर भगवान ने फिर से मद वर्ड यूज किया है। मद मतलब मेरा, तो मेरी भक्ति। तो यहाँ से भगवान इस चैप्टर में भक्ति का प्रारंभ कर रहे हैं ना। तो और वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, है ना, अगर कोई भी क्रिया कर रहे हैं लेकिन भगवान को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी, वो भक्ति कहलाएगी। तो भक्ति में जो भी क्रिया करते हैं उससे क्या होता है, हमारा कृष्ण के धाम गोलोक को धाम जाने का हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तो मेरा शुद्ध भक्त, मेरा, मेरे संरक्षण, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उसको भगवान अपने संरक्षण में रखते हैं, अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं, है ना। जैसे कि हमने 9.22 में पढ़ा था ना, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य भक्तानां योगक्षेमं वहम। जो मेरा भक्त है अनन्य भाव से मेरी चिंता कर रहा है, उसके पास जो नहीं है वह मैं उसे दूंगा, और जो उसके पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ये भगवान ने 9 चैप्टर में भी कहा। तो यहाँ पर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे संरक्षण। तो भगवान ने और भी 7 चैप्टर में भी कहा था कि जो मेरा भक्त है मैं उसको इस भव सागर से तार दूंगा, है ना। क्योंकि तो भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है, और हमें बाहर से ऐसे लगेगा कि नहीं जो भगवान के भक्त हैं वह बहुत सफरिंग में हैं या उनको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि पांडव। लेकिन हमें भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि अंत में भगवान हमें संरक्षण प्रदान करेंगे। और अगर हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो भगवान उन चैलेंजेस और परेशानियों के द्वारा किसी को कोई शिक्षा देना चाहिए, इसलिए हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है। वैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के जीवन में बहुत चैलेंजेस आए, उनका गृहस्थ जीवन में उनकी जो वाइफ थी वह भी उनका साथ नहीं देती थी ना, भागवतम बेच के उन्होंने चाय के लिए पैसे लिए थे, तो वह उनका साथ नहीं देती थी, और उन्हें बहुत से और भी चैलेंजेस हुए, उनका बिजनेस नहीं चला, लेकिन वो सब क्या हुआ, अंत में उन्होंने भगवान को पूरा समर्पित हुआ, संन्यास लिया और फिर इतना बड़ा प्रचारक बने, है ना, पूरे संसार में। तो अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो हमें भगवान की शरण को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे संरक्षण में, मेरा शुद्ध, उस वो कोई भी कार्य कर रहा है ना,
अगर वो कार्य हमें, जैसे लोग कहते हैं कि भक्त भी तो ऑफिस जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होता है चेतना का फर्क। तो उसके जो भी कार्य हैं वो हमेशा भगवान को ध्यान में रखते, भगवान की कॉन्शियसनेस में कार्य करते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान यही बार बार भगवद्गीता में ये कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए कोई कर्म करोगे तो तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं भुगतना, और उसका रिजल्ट क्या होगा, मेरी कृपा से। तो भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे, और भगवान की कृपा से भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त को मेरा धाम प्राप्त होगा। और उस धाम की क्या क्वालिटीज हैं जो प्राप्त होगा, वह नित्य है, वह शाश्वत है, अविनाशी है, उसका कभी भी कोई विनाश नहीं हो सकता, तो फुल ऑफ पूरा ज्ञान से भरा हुआ है ना। तो ऐसा धाम हमें मिलेगा, ऐसा घर हमें मिलेगा अगर हमने भक्ति, क्योंकि तो हमने बार बार यहाँ पे भगवद्गीता में कंपेयर किया कि जो ये भौतिक संसार है ये तो नित्य नहीं है, ये अनित्य है, टेम्पररी है, मैनिफेस्ट होता है ना, फिर अनमैनिफेस्ट हो जाता है कुछ समय के लिए। तो भगवान ने कहा है कि तुम क्यों इस सब तत्कालीन टेम्पररी चीजों के लिए परेशान हो, तुम नित्य चीज के लिए मेहनत करो, तो मैं तुम्हें अपना संरक्षण दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं अगर ऐसा फायदा हो रहा है हमें, है ना, भगवान के धाम जाने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम कृष्णा भावनामृत में रहकर कार्य करें। तो क्या कह रहे हैं भगवान, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्निस्य मत परः बुद्धिं योगम उपाशितः मत चित्त सततम्। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर, डिपेंड ऑन मी, भगवान खुद कह रहे हैं हमें किसी के और के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत ही नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना आश्रय ढूंढते हैं अलग अलग चीजों में, है ना। जैसे कि एक वाइफ है तो वह सोचती है कि हस्बैंड मेरा आश्रय है, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोचती है अभी बच्चे ही मेरे आश्रय हैं, वो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाती है। और इसी प्रकार से हम हमारी जो धन संपत्ति है उसका आश्रय लेना चाहते हैं, हम हमारे रिलेटिव हैं उनका आश्रय लेना चाहते हैं, हमारे दोस्तों का आश्रय लेना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमें बचाएंगे मुश्किलों से, है ना, ये मेरी मुझे तकलीफों से बचाएंगे। लेकिन जब बीमारी आती है या कुछ दुख आता है ना, तो हम परेशान होते हैं, है ना, तो तब हमें कितना भी बाहर से सपोर्ट हो, हमारा आंतरिक हमें सुख और शांति नहीं मिल पाती, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझ में अपना पूरा आश्रय ढूंढा, मुझको अगर शरणागति करी, मुझ पे अगर निर्भर हो कि भगवान मुझे जैसा रखे मैं रहूंगी, है ना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मेरा भला हो। अगर भगवान बार बार कह रहे हैं कि मुझ पर नहीं, मेरे संरक्षण में रहो, अगर ऐसा करते हुए तुम अपना कर्म कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपने धाम में वापस लेके जाऊंगी। ऐसी ऐसी भक्ति में मेरे पति पूर्णतः सचेत रहो, फुल्ली कॉन्शियस रहो। पूर्णतः सचेत रहने का मतलब है कि एवरी टाइम एवरी एक्ट जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारे बैकग्राउंड में भगवान होने चाहिए, है ना। सिमिलर चीज हर चीज बार बार, हम खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, पति की कोई सेवा कर रहे हैं, तो हम ऐसा सोच के कर सकते हैं कि ये भगवान का भक्त है, ये बच्चे भगवान के दिए मेरे संरक्षण में है, जिनकी सेवा करना भगवान ने मुझे सौंपा है, भगवान ने मुझे अपनी ड्यूटी दी है, तो मैं भगवान के लिए ही कर रही हूँ। तो इस तरह से हम हमारी कॉन्शियसनेस को हमेशा भगवान में रखने का प्रयास कर सकते हैं, तो प्रयास धीरे 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 अभी सफल होगा। अब भगवान जब ये बता दिया कि तुम मेरे धाम आ गए अगर मेरे को ध्यान में रख के कार्य कर रहे हो, तो अब बता रहे हैं कि अगर कार्य करोगे तो क्या मिलेगा और कार्य नहीं करोगे तो क्या। 58 में भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित हो गए तो मेरी कृपा होगी, उससे तुम बद जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओ, मतलब मैं तुम्हें यहाँ से तार लूंगा, तुम्हें इस भौतिक जगत और संसार से, भौतिक शरीर से मुक्ति दी, और जो भी तुम्हें कठिनाइयां हो रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, उन सबको तुम आसानी से पार कर दो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं आएंगे, मुश्किलें नहीं, लेकिन क्या होगा कि वह हमें इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमारी कॉन्शियसनेस है भगवान में, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन
हमें उनको टॉलरेट करने का शक्ति भी रहेगी। हम दूसरे लोगों की जैसे बहुत ज्यादा परेशान है, इसका ये मतलब। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो करोगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो विनिष्ठ हो जाओगे। विनिष्ठ हो जाओगे मतलब हमेशा इस भव संसार में तुम फंसे रहोगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहोगे, है ना। और ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारी चेतना ऐसी क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें मिथ्या अहंकार। और वो मिथ्या अहंकार क्या है कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं, हमें अपने आप को शरीर मानते हैं। और उस फॉल्स आइडेंटिटी की वजह से हम अपने आप को भगवान से दूर करते हैं और हम भगवान के लिए कार्य नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, हम विनिष्ठ हो जाते हैं, हमारा कोई भी फायदा नहीं होता। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर चले जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना। अब भगवान फिर से हमारे स्वभाव पे आ गए। स्वभाव का मतलब क्या, भगवान कह रहे हैं कि अभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ युद्ध करने की, है ना, तो तुम मेरा कहना मान लो। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो क्या होगा कि तुम तो एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का क्या होता है स्वभाव, जन्म से उसको एक स्वभाव मिला है, हर एक किसी, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, या कोई ब्राह्मण है, तो हमने पढ़ा है ये कि वर्णाश्रम में हर किसी का एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, एक अलग गुण होता है। जैसे कि ब्राह्मण है वह सत्व गुण में ज्यादा होता है ना, क्षत्रिय होता है वह रजस गुण में ज्यादा होता है। तो तुम्हें क्षत्रिय के जन्म मिलने की वजह से तुम्हें एक शरीर मिला है पर्टिकुलर, उस शरीर की वजह से तुम्हारा एक पर्टिकुलर नेचर है। और तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारे खून में, हम कहते हैं ना खून में ही गर्मी है, तुम्हारे खून में ही युद्ध करना लिखा हुआ है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो तुम अगर नहीं लड़ोगे तो तुम खुश नहीं रह सकते, तो लड़ना तुम्हारा स्वभाव है। तो अगर तुम मेरे कहने पे युद्ध नहीं करोगे तो तुम किसी और से लड़ाई करोगे, क्योंकि लड़ाई करना तो तुम्हारे नेचर में है। तो अगर तुमने मेरे कहना नहीं माना और उल्टा कुछ किया तो तुम्हारा क्या होगा, कुमार पे चले जाओगे। और इस समय तुम क्या हो रहे, मोह में आके क्यों, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं अगर लड़ूंगा तो मेरे पिता माँ और मेरे भाई बंधु, मेरे गुरु, इन सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसे बहुत मोह हो रहा था, तो उस मोह की वजह से वह युद्ध लड़ने से मना कर रहा था। तो तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो दोनों श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि हम वैसे भी जिस आश्रम में हैं या जिस वर्ण में हैं, उस हमारा एक पर्टिकुलर स्वभाव है, उसके विवश होकर हमें काम करना था। क्यों, जैसे कि हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे कर्मों के अनुसार प्रकृति हमें एक पर्टिकुलर प्रकार का शरीर देती है ना। हमारी इच्छाएं क्या थी, हमने कैसे कर्म किए, भगवान सैंक्शन करते हैं, लेकिन जो ये प्रकृति है वो हमें एक शरीर देती है। जैसे कि हमने बताया था आपको पहले कि अगर किसी को कुत्ते का शरीर मिल गया, अब कुत्ते का शरीर मिलने के बाद वह प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है और वो भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऐसा शरीर मिला है। उसी प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के शरीर मिला है, अलग अलग प्रकार का हमें स्वभाव भी मिला है प्रकृति के द्वारा, और उसका डिसीजन किसने लिया था, हमारे कर्मों ने और हमारी डिजायर, उसे सैंक्शन किसने किया था, भगवान ने। तो हम अपने स्वभाववश कुछ एक्शंस करने ही पड़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उस स्वभाव को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है कि तुम मेरे निर्देश के अनुसार कार्य। अब हम सोचेंगे कि अर्जुन को तो भगवान डायरेक्ट निर्देश दे रहे थे, गीता में ज्ञान दे रहे थे, हमें कौन ज्ञान देगा। तो भगवान कहते हैं कि मैंने भगवत गीता दी है, तुम भगवत गीता पढ़ो, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको फॉलो करो, और भगवत गीता स्वयं पढ़ो, अध्ययन करो, फिर किसी प्रामाणिक गुरु से सुनो। अगर हमने प्रामाणिक गुरु से सुना, शुद्ध भक्त से सुना, तो सुनने से हमारा शुद्धिकरण होगा। और हमने क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु है वह भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं इस संसार में, है ना, वो हमारे को तारने के लिए आए, क्योंकि भगवान तो बार बार नहीं आ सकते ना हर एक के लिए। तो भगवान ने गुरु दिए, तो गुरु हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो हमें क्या करना है, सिंपली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, गुरु के कहने पर चलना है। तो गुरु ने जो भी हमें नियम दिए हैं, हमें सेवा दी है, हमें वो करना है। अगर गुरु के द्वारा की गई हमने सेवा किया, हमने नियम पालन किए, तो गुरु हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि कैसे हम भगवान तक जा सकते। तो
तो यहाँ पर मेरे निर्देशानुसार में गुरु के निर्देश ही आए। तो हमें क्या करना है, गुरु के संरक्षण में कार्य करना है, गुरु की सेवा करनी है, गुरु जो हमें आज्ञा दे रहे हैं वो करनी है। तो गुरु हमारा माध्यम बनेंगे जिससे हम भगवान तक वापस पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब जब ये सब समझा दिया भगवान ने, अब क्योंकि अभी तक तो हमें क्या कहा था भगवान ने कि तुम भक्ति के लिए आ जाओ, अब भगवान परमात्मा स्तर पर आ गए। अब क्या कह रहे हैं कि तुमने जब सेल्फ रियलाइज स्टेट पे आ गए, ब्रह्मन स्तर पर आ गए, तुमने ये रियलाइज कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का कार्य भगवान की सेवा करना। तो अब हम ये रियलाइज करेंगे कि आत्मा के साथ हमारे शरीर में परमात्मा का भी वास है ना, हमें उस परमात्मा को सरेंडर करना। तो अगले जो ये दो श्लोक हैं, ये तीनों श्लोक हमें परमात्मा पे कैसे हम समर्पण हो सकते हैं वह बता रहे हैं। तो 61 में भगवान कहते हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित, ये हम सभी को पता है ना। अब आप सोचने लगेंगे कि ये हृदय क्या है, तो आपको ये बता दें कि जिसे हम हार्ट कहते हैं, और कहते हैं ना हार्ट का वो ट्रांसप्लांट हो गया या हार्ट अटैक आ गया, तो वह हार्ट जो है वह हमारे शरीर का एक पार्ट है। लेकिन जो भगवत गीता में जहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है हृदय के लिए, वो एक्चुअली मैकेनिकल हार्ट नहीं है, वो एक जगह है जो हार्ट के ही पास है, और उस हार्ट में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तो इसको कैसे समझा जा सकता है, आपको मैं उदाहरण दूं। आजकल क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है, तो जो इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है, उसके लंग खराब हो गए, किडनी खराब हो गई है, उसका ब्रेन डेड हो गया, तो उसके बॉडी में से हार्ट को निकाल लिया जाता है, और जो अच्छा जो व्यक्ति ठीक हो सकता है, सिर्फ उसका हार्ट खराब है बाकी सब काम कर रहा है, तो उसके उसका हार्ट उस वाले व्यक्ति के हार्ट दूसरे व्यक्ति के हार्ट में ट्रांसप्लांट कर देता है। तो अब जब वो दूसरे व्यक्ति का हार्ट उसको मिल गया, तो क्या वो व्यक्ति बदल जाता है? नहीं, व्यक्ति तो वही रहेगा ना, उसकी आत्मा वही की वही है, क्योंकि तो उसकी आत्मा नहीं बदली, क्योंकि जिस व्यक्ति से हार्ट लिया गया उसकी आत्मा अलग थी, वो उसके साथ ही जब उसका शरीर छूट गया वो निकल गई। लेकिन जिस व्यक्ति को हार्ट मिला है नया, उसको अपनी पुरानी याददाश्त रहेगी, उसको अपना सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा वही की वही है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट होने से आत्मा ट्रांसप्लांट नहीं हुई, तो इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे जो हार्ट मेंशन है वो एक्चुअली हमारा ये भौतिक हार्ट नहीं है, वो एक जगह है जहाँ पे सोल और परमात्मा का निवास है ना। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि ये भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र किसके लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे शरीर। तो शरीर को किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, यंत्र से, एक मशीन से। तो ये जो जीव है और परमात्मा है, ये दोनों इस पे सवार हुए हुए हैं, इस जीव में, इसके अंदर बैठे, और परमात्मा क्या कर रहे हैं, समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं, मतलब सब कुछ हमारे परमात्मा के कंट्रोल में है। कहते ना परमात्मा की इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हो सकता। तो अब आप सोचने लगेंगे तो क्यों फिर परमात्मा जब हमारे साथ है तो हमसे बुरे कर्म करवा रहे हैं, है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान ने हरेक आत्मा को एक छोटी सी स्वतंत्रता भी दी, फ्रीडम भी दिया है। भगवान हमें रोबोट तो नहीं बनाना चाहते थे कि ऐसे उठो ऐसे बैठो, उन्होंने वह चाहते थे कि प्रेम का आदान प्रदान हो। तो प्रेम का रिलेशनशिप तो तभी हो सकता है जब दूसरा इंसान भी कुछ सोच सकता है, समझ सकता है, वह किसी के लिए अनुभव कर सकता है। तो अगर भगवान हमें फ्रीडम नहीं देते और हमें सिर्फ एक रोबोट बना देते, तो फिर भगवान को इस प्रेम से आदान प्रदान में कुछ भी आनंद नहीं आता। तो परमात्मा ने आत्मा को एक स्वतंत्रता दी, छोटी सी स्वतंत्रता दी, और उस स्वतंत्रता की वजह से हम जो इच्छा करते हैं, भगवान अगर हमने इच्छा कर ली दृढ़ कि हमें सुबह उठना ही उठना है 4 बजे कैसे, तो परमात्मा हमारी उसमें हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम कच्चे पड़ गए, हमारी इच्छा नहीं है, थोड़ा और आराम कर लेते हैं, कौन जल्दी उठेगा, तो परमात्मा हमें हमारा जो चल रहा है हमारे दिमाग में वो पढ़ लेंगे, तो परमात्मा कहेंगे ठीक है ये खुद उठना ही नहीं चाह रहा है तो ठीक है मत उठो। तो इसलिए
परमात्मा अगर हम किसी चीज को डिटरमिन हो गए तो हमें उधर हेल्प, और अगर हम बुरा काम करना चाहेंगे तो वो अलाउ करेंगे हमें, नेचुरल है कि भगवान ने हमें फ्रीडम। अब अगली उसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, हमें परमात्मा को सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने कहा कि परमात्मा जो हमें कहेगा हम वही करेंगे तो क्या होगा, हमें कृपा मिलेगी और हमें परम शांति मिलेगी और फिर परम नित्य धाम प्राप्त होगा। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में एक गुड डॉग और बैड डॉग आपने सुना होगा बार्क करता रहता है, मतलब एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये अच्छा है ये करना चाहिए, फिर दूसरा कुछ मन कहेगा नहीं ऐसे क्यों करना है वो। तो हमेशा हम देखेंगे कि जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होंगे तो एक अंदर से ना की आवाज आती है लेकिन हम उसको दबा दें, और वो जो ना की आवाज है वही परमात्मा की आवाज है। हम बार बार क्या करते हैं, परमात्मा की आवाज को दबा देते हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं उनको हम बढ़ोतरी देते हैं कि नहीं मेरी इच्छा, तो इसलिए हम परमात्मा की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन जब हमने परमात्मा को शरण में दे देंगे कि परमात्मा जो हमसे चाहेंगे हम वही करेंगे तो फिर हमें परमात्मा की कृपा मिलेगी। तो अब भगवान 63 में क्या कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहितर ज्ञान बताया, तुम्हें मैंने बता दिया, भूय ज्ञान दिया, भूय ज्ञान मतलब ब्राह्मण के बारे में दिया। अब भगवान कह रहे हैं मैंने परमात्मा के बारे में तुम्हें बता दिया जो गुहितर ज्ञान था, अब तुम इस पर पूरी तरह मनन करो, चिंतन करो और तब जो चाहे सो करो। तो अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद अब भगवत गीता का जो कृष्ण के सारे उपदेश थे वो यहाँ पर खत्म हो गए। उपदेश देने के बाद अब अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इन सब पे वापस से मनन करो, सोचो और फिर अंत में जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, तुम्हें नहीं लड़ना है तो मत लड़ो, तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। तो सब कुछ अर्जुन पे छोड़ दिया, यही हमारे साथ भी होता है। अल्टीमेटली भगवान हम पे छोड़ देते हैं कि चलो तुमने भगवदगीता का कोर्स कर लिया, आज हमारी भगवदगीता पूरी समाप्त हो जाएगी, एक बार हमने 2 साल में पूरी भगवदगीता पढ़ ली, भगवदगीता की हमने बहुत चीजों को समझा, अब भगवान हमें कह रहे हैं कि चलो तुम्हें भगवदगीता का ज्ञान सब कुछ मिल गया, अब तुम्हारी इच्छा जो है तुम करो, तुम्हें भक्ति करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत, यही इसका मतलब है। अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हें लड़ना है तो अभी भी लड़ो, नहीं लड़ना है तो मत। फिर अब इसके बाद में अर्जुन क्या करा, चुपचाप खड़े हो गए, है ना, क्योंकि अब भगवान ने ऐसे कह दिया ना तुम्हें जो करना है करो, तो अभी हमें कोई कह दे कि अब तुम्हारी इच्छा तो हम सोचने लग जाएंगे ना कि अभी सारी नॉलेज हमारे पूरे उसमें घूमने लगेगी दिमाग में कि नहीं ऐसा भी कहा था भगवान ने, ऐसा भी कहा था। तो अर्जुन चुपचाप खड़े होकर सोचते रहे और जो भी गीता शास्त्र के बहुत सारा जो गहरे अर्थ है उस पर समीक्षा करते रहे अपने दिमाग में कि क्या रिजल्ट निकालू अब। तो अर्जुन कृष्ण को थोड़े कंफ्यूज दिखे होंगे, तो कृष्ण ने क्या किया, अपने प्रिय मित्र की ओर देखते हुए कृष्ण का दयालु हृदय पिघल गया और वह क्या बोले, हे मेरे प्रिय अर्जुन, अब मैं कुछ छंदों में पूरे शास्त्र का तुम्हें सार बोल दूंगा। तो भगवान ने अर्जुन का कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया, वह बोले कि तुम्हें मतलब बहुत मुश्किल हो रही होगी, कर्म योग सोचने लगे होंगे, ज्ञान योग सोच रहे होंगे, ध्यान योग सोच रहे होंगे, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स गीता में पढ़ाए प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, गुणों के बारे में, तो तुम्हें उसका समरी निकालने में तकलीफ हो रही दिखती, तो चिंता मत करो मैं ही पूरे शास्त्र का सार तुम्हें बता देता हूँ जो कि इस पूरे भगवदगीता का समरी है। इसे समझने के लिए हर चीज की समीक्षा करने में कठिनाई को भूल जाओ, तुम कोई चिंता मत करो, ज्यादा इवैल्यूएशन मत करो, ज्यादा समझने का प्रयास मत करो, मैं ही तुम्हें सार बता। तो जो अगले जो श्लोक है उसमें भगवान भगवत गीता का सार प्रकट कर रहे हैं और वह श्लोक क्या है, सबसे गोपनीय ज्ञान। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक? दीदी मैं पढ़ूंगी। हाँ जी सुमन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्व गुह्य तममं गुह्यं शरणु मे परमं वच, इष्ट असि मे धरणं इति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अर्जुन को क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, ये भगवान ने फोर्थ चैप्टर में भी कहा था, आपको याद हो, है ना, फोर्थ चैप्टर में भी कहा था कि मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, है ना। तो यहाँ पे भी कह रहे हो कि तुम मेरे मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, मतलब कहते हैं ना लास्ट डिसीजन, सब कुछ सुनाने के बाद अभी ये भगवान बोल रहे हैं परम आदेश, वो क्या है, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए, इसे सुनने से तुम्हारा बहुत भला होगा। और वह ज्ञान क्या है, गीता का सार क्या है, कृष्ण की गीता, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु माम वेशासी सत्यम ते पति जानी प्रियोसी सदैव मेरा चिंतन, मेरे मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र। किसी को याद है ये श्लोक का पहले भी भगवत गीता में आया है, कौन सा श्लोक था, कौन से चैप्टर में था, दीदी पहले भी आ चुका है ये, हाँ कौन से चैप्टर में आया था और कौन सा श्लोक था, किसी को याद है, मन मना भवमद भक्तो, सेम लाइन थी, मध्याजी माम नमस्कार, हाँ दीदी सेम था पर याद नहीं आता, नाइन्थ चैप्टर था, नाइन्थ में, और 34 श्लोक था, ठीक है, 9.34 में सेम लाइन्स है, तीन फर्स्ट जो टी थ्री लाइन्स है वो बिल्कुल सेम है, बस लास्ट की फोर्थ लाइन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे उसको रिपीट किया है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट सार था भगवद्गीता में, है ना, वो भक्ति सेक्शन में 9 चैप्टर आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए 18 चैप्टर में उसको रिपीट किया गया है। चार लाइनों में भगवान ने भगवद्गीता का सार दिया है, और वो चार लाइन क्या है, सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो मेरे भक्त भक्त मध्याजी मेरी पूजा करो माम नमस्कारो मुझे नमस्कार, चार लाइन, ठीक है ना। तो अब मेरा चिंतन करने का क्या मतलब है, आपको हमने बताया कि हमेशा कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण कर, है ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट, हर एक्टिविटी में ऐसा करने से क्या होगा, हम भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे, फिर भक्त बनेंगे तो भक्त का क्या कार्य है, भगवान की पूजा करना है, और पूजा कैसे कर सकते हैं, हमें पता है हम सुबह सुबह उठ के आरती दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, और भगवान का चिंतन हम कैसे कर सकते हैं, हमने नव विदा भक्ति आपको बताई थी, है ना, वो क्या था, कौन सा वो जो 9 श्लोक में भूल गए, श्रवणम कीर्तनम, हाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मसमर्पण, तो उसमें क्या था, वही जो ये 9 विधा भक्ति है, स्मरणम कीर्तनम, स्मरण करो, कीर्तन करो, है ना, श्रवणम करो, पाद सेवनम, पूजा भगवान के पैरों की सेवा करो, है ना, मेरे दोस्त बनो, मेरे सर्वेंट बनो, सबके दास्यम, और फिर मुझे समर्पित हो जाओ, आत्मनिवेदनम, मुझको प्रेयर्स ऑफर करो, तो ये सब करने से हम भगवान के भक्त बनेंगे, और इस ये सब करने से भगवान का चिंतन होगा हमें, श्रवणम से, भगवद गीता सुनने से, चैंटिंग करने से, रीडिंग करने से, है ना, और जब हम भगवान के बारे में, भगवान के विग्रहों की सेवा करने से, इन सब से हम भगवान के चिंतन कर सकते हैं, भगवान के भक्त कर सकते हैं, और इसी से भगवान की पूजा कर सकते हैं, और इसी में भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं, ऐसा नहीं कि हम जब मंदिर जा रहे हैं तो झुके नहीं, भगवान के सामने हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना, भक्तों के सामने हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो इस प्रकार से हमने हमारी जीवन को जिया, भगवान क्या हमें बोल रहे हैं, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता, भगवान यहाँ पे क्या प्रॉमिस कर रहे, और भगवान कहते हैं हमें अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, और भगवान तो यहाँ पे अपने परम मित्र को प्रॉमिस दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुमने अगर भक्ति करी तो तुम मेरे पास आ जाओ। फिर कह रहे हैं कि कैसे करोगे ये सब चीज, समस्त धर्मों, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरणागत में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर करू, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सोचते होगी मेरा अभी स्त्री धर्म है, मैंने स्त्री का शरीर पाया है,
मेरा भी पुत्र धर्म है वो निभाना है, पिता धर्म है वो निभाना है, पितरों के प्रति मेरा धर्म है वो निभाना है, और सोसाइटी के प्रति मेरा धर्म है, मेरे रिलेटिव्स के प्रति मेरा धर्म है ना। तो हम हमारे आप अपने आप को इतने सारे धर्मों से बांध ले, लेकिन भगवान यह कह रहे हैं कि तुम इन सब धर्मों की चिंता मत, केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ। तुम ये मत सोचो कि मैंने उस धर्म का पालन नहीं किया तो मुझे पाप लगेगा, मैंने उस धर्म का पालन नहीं किया मैं तो पितरों को भी कुछ ऑफर नहीं कर पाई, मैंने वो पिंडदान नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्ति कर रहा है, मेरा भक्त बन गया है और सब मेरा प्रचार कर रहा है, अगर वह ये सब धर्म नहीं निभा पा रहा है, जैसे कि शास्त्रों में वेदों में लिखा गया है कि हमें ऐसे ऐसे संस्कार करने चाहिए, ऐसे ऐसे यज्ञ करने चाहिए, सब करने चाहिए, लेकिन भगवान ने हमें गीता में क्या बोला, सभी यज्ञों का यज्ञपति तो मैं हूं। तो अगर हम हमारी गतिविधियों से भगवान को ही प्रसन्न कर देते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, जो भी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हम स्वीकार करते हैं, जो भी हमारी भक्ति के प्रति प्रतिकूल है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। जो भी हमें हेल्प कर रहा है भगवान की शरण लेने में, हम वही गतिविधि कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इन सब पापों का चिंता मत करो, जैसे कि अर्जुन चिंता कर रहे थे ना कि कितना सिंफुल होगा, पाप होगा, मैं इतने सारे लोगों के मृत्यु का कारण बनूंगा युद्ध करके, तो मुझे बहुत पाप लगेगा और मैं मुझे खुशी नहीं मिलेगी, ये सब कारण बता रहे थे अर्जुन शुरू शुरू में युद्ध नहीं करने के। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम बस मेरे ऑर्डर पे काम करो, मेरे इंस्ट्रक्शन में काम करो, तो मैं तुम्हें समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। इस और अर्जुन के माध्यम से हमें भी कह रहे हैं कि अगर हम कुछ धर्म नहीं निभा पा रहे लेकिन हम भगवान के एक शुद्ध भक्त बन गए, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें चढ़ने की कोई बात है ना। हमें याद हो तो सातवें अध्याय में भगवान ने कहा था कि भगवान की शरण में जाने के लिए हमें पूरे सारे पाप भूल जाने चाहिए हमारे, और हम पाप रहित होएंगे तभी हम भगवान की शरण में जा सकते। लेकिन यहाँ पर तो भगवान ने और भी बड़ी बात कर दी, भगवान ने कह दिया कि तुम अगर पाप कर भी रहे हो लेकिन तुमने मुझ में सरेंडर कर लिया, तो मैं तुम्हें उन पापों से उद्धार कर दूँ, उन पापों के रिजल्ट से भी तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि जो शरणागति का जो प्रोसीजर है ना, शरणागति का जो पाथ है, उस पाथ से ही तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पाप धीरे धीरे, तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि जैसे कि हमने भृगारी की कथा कहते हैं ना, भृगारी को जब नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिया तो पहले तो वह जानवरों को मार के वो भी अधमरा छोड़ता, इतना पाप करता था, इतना पाप, लेकिन उसने नारद मुनि के एक इंस्ट्रक्शन से पूरी शरणागति कर दी, है ना, सरेंडर कर दिया उसने, उसको स्ट्राइक कर गया कुछ चीज, और वह इतना शुद्ध भक्त बन गया कि बाद में वो चींटी को भी नहीं मारना चाहता। तो जब उसने शरण ले ली भगवान की, तो अब उसने जो इतने पुराने पाप किए होंगे इतने जानवरों का मारने का, भगवान ने उन सबको बिल्कुल नलीफाई कर दिया, उसके अकाउंट से डिलीट कर दिया था, ठीक है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम बहुत पाप करते आए, जैसे कि प्रभुपाद के सारे जो शिष्य हैं उनमें बहुत सारे फॉरिनर्स हैं, तो फॉरिनर्स होने के वजह से उन्होंने क्या क्या पाप नहीं किया होगा, कितनी शराब पीना, कितना जुआ खेला होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। लेकिन जब प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया और प्रभुपाद ने उन्हें भक्त बनने का बोला, तो उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ दिया और प्रभुपाद की पूरी शरण में आ गए, और प्रभुपाद की शरण लेने से उन्हें भगवान से इतना प्रेम हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जो भी पुराने पाप को मैं उन सबसे उद्धार कर दूंगा, इसकी चिंता तुम्हें कोई भी करने की जरूरत। अब अंत में 67 टू 78 में निष्कर्ष, अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें गीता पढ़ा दी, लेकिन तुम अपने आप पढ़ो लो और दूसरों को नहीं पढ़ाओ तो भगवान को वो भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो अब भगवान सबसे पहले तो कह रहे हैं कि तुमने गीता पढ़ ली, अब तुम्हें गीता की शिक्षा दूसरों को देनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ ये बता रहे हैं कि गीता की शिक्षा को किसको नहीं देना चाहिए, है ना। तो हमें किसको नहीं देनी चाहिए गीता की शिक्षा, जो तपस्वी नहीं है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, जो कि अंदर से भक्त नहीं है, प्रिटेंड कर रहा है ना, चीटिंग कर रहा है, सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई,
आज्ञाकारी सेवा में शामिल नहीं होता, भगवान की कोई सेवा नहीं करना चाहता। या फिर भगवान कहते हैं सबसे बड़ा कौन है, अगर मुझसे कोई ईर्ष्या ही करता है तो ऐसे अभक्त को गीता की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, है ना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किस किस को हमें शिक्षा नहीं देनी। कुछ लोग क्या होते हैं, वह भगवद गीता पे कमेंट्री लिखते हैं लेकिन उनमें भक्ति नहीं होती, वह सिर्फ अपना जो इंटेलिजेंस है उसको दिखाना चाहते हैं दूसरों को। भक्ति के बिना अगर कोई गीता का सार प्रेजेंट करेगा तो हमें उसको पढ़ने में आनंद नहीं आता। ये लोग भगवान से, कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं कि जैसे कि हिरण्यकश्यपु, रावण थे, ये सब क्या थे, ये भगवान से ईर्ष्या करते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी ईर्ष्या रखता है, मुझ में विश्वास नहीं रखता है, मेरी भक्ति नहीं कर सकता है, इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वह ऐसे ज्ञान को ले ही नहीं पाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर हम पहली क्लास का बच्चा है उसको हम 12th क्लास का मैथ्स पढ़ाने लगे तो क्या वो ले सकता है, नहीं ले सकता। तो यहाँ पर भगवान ये नहीं कहना चाह रहे कि गीता का ज्ञान सबके लिए नहीं है, नहीं, गीता का ज्ञान सबके लिए है, लेकिन हमें लेने वाले की क्वालिटीज भी तो देखनी पड़ेगी कि वो एक्सेप्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता, है ना। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब गीता के प्रवचन होते हैं तो पूरी आम जनता आती है, और प्रवचन खुले में क्यों किए जा रहे थे, अपने प्रश्न हो सकता है कि क्यों फिर गीता का प्रवचन ऐसा होता है इसमें पूरी आम जनता आती है। हो सकता है उस आम जनता में कुछ व्यक्ति कम से कम भगवान कृष्ण को सर्वोच्च मानते हैं, वे भगवान से कम ईर्ष्या तो नहीं करते, है ना। तो हो सकता है कि जब वो सुनेंगे तो उनका फेथ और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्रचार करने के लिए कभी कभी हमें गीता की शिक्षाएं आम जनता को देनी पड़ती है, लेकिन उससे क्या छटनी हो जाएगी, जिनमें इंटरेस्ट नहीं है वो बाद में कभी कुछ वापस लौट के नहीं आएगी, जिनमें इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ते हैं, जो ईर्ष्यालु है भगवान से वो सुनना ही पसंद नहीं करेंगे गीता के। तो इसलिए भगवान हमें सचेत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को तुम्हें, जो भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं हमेशा, ऐसे ऐसे लोगों को बार बार जाके गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना। जब भगवान की कृपा होगी अपने आप उनपे तो वह ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। और भगवद गीता पढ़ाने का क्या लाभ है, पढ़ने का क्या लाभ है और सुनने का क्या लाभ, ये भी भगवद गीता में भगवान खुद ही बता रहे हैं। 68, 69, 72, 71 तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इसको पढ़ता है, इसको मतलब पढ़ाता है किसी को, तो वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। शिक्षण करना मतलब किसी को पढ़ना, बिना किसी संदेह के वो मेरे पास वापस आता है, मेरे लिए सबसे प्रिय हो जाता है। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्रिय कोई दास नहीं है और नहीं भविष्य में कोई और प्रिय हो। तो ऐसा दास जो भगवद्गीता का प्रचार कर रहा है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो हमें भगवद्गीता दूसरों को पढ़ानी चाहिए, फिर खुद पढ़नी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र वार्तालाप का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि या ज्ञान के बलिदान से मेरी, तो वह अपने इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है ना, सेक्रीफाइस कर रहा है और उसके द्वारा इसको समझने का प्रयास कर रहा है। तो वह एक तरह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भगवद गीता पढ़ना भी एक साधना है, भगवान की पूजा करने के बराबर है अगर हम भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, है ना। और फिर सुनना, अब भगवान अंत में क्या कह रहे हैं, जो श्रद्धा से और बिना ईर्ष्या के इसको सुनता है तो उससे क्या होगा, वह सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है और शुभ ग्रहों को प्राप्त करता है जहां पवित्र लोक निवास करता है। भगवान कह रहे हैं कि उसके पापों को मैं वो दूंगा जो भगवद्गीता का श्रवण कर रहा है और वह उच्च ग्रहों को प्राप्त होगा और फिर अल्टीमेटली भगवान के पवित्र को प्राप्त होगा। तो भगवद्गीता पढ़ाने का लाभ, भगवद्गीता पढ़ने का लाभ और भगवद्गीता सुनने का लाभ, ये तीन प्रकार के लाभ भगवान ने इस चैप्टर में हमें बताए। अब भगवद गीता तो समाप्त हो चुकी है, मतलब जो भगवान ने कहा। अब अर्जुन जब ये सुन लेते हैं सब कुछ तो वह ये श्लोक बोलते हैं, वह क्या बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान आच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्य वचनं तव। हे कृष्ण, मेरा भ्रम अब दूर हो गया है, मेरा कंफ्यूजन अब जा चुका है, मैंने अपनी याददाश्त वापस पा ली है, ये सब आपकी दया से हुआ है। हे प्रभु, मैं अब दृढ़ हूँ, सभी संदेहों से मुक्त हूँ, मैं आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी हम सबने भी भगवद्गीता आज समाप्त करी, भगवद्गीता पढ़ ली, भगवद्गीता में बहुत सारे हमें इंस्ट्रक्शंस मिले
तो हमें भी अर्जुन की तरह ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए भगवद्गीता पढ़ने से, और अब हमें जो भी भगवान ने इस भगवद्गीता में निर्देश दिए हैं, और भगवान का मेन निर्देश क्या है, भक्ति करने का, तो हम एक दृढ़ निश्चय से ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज भगवान स्वयं तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवद्गीता के रूप में हमारे सामने, तो भगवद्गीता में जो भी ऑर्डर्स हमें दिए गए हैं हमें उन्हें और अच्छे से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अब कह दिया है कि मैं आप जो कहोगे बस वो ही करूंगा, ठीक है ना, तो मैं आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार। अब संजय तो ये धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, तो अर्जुन और कृष्ण के बीच तो वार्तालाप समाप्त हो गया, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया कि मैं लड़ने को तैयार। तो अब संजय धृतराष्ट्र को क्या बोलते हैं कि मैंने इन दो महात्माओं कृष्ण और अर्जुन की बातचीत सुनी, ये कितना अद्भुत संदेश था, ये सुन के मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और मैं क्यों सुन पाया, क्योंकि व्यासदेव ने मेरे पे कृपा करी। व्यासदेव ने संजय को वो आंखें दी थी जिससे वह कुरुक्षेत्र का दृश्य देख सके, तो उनकी कृपा से आज मैं ये गोपनीय वार्ता मतलब भगवद्गीता को सुन पाया हूँ, है ना। और मैं इस अद्भुत पवित्र वार्तालाप को बार बार जब जब याद करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ ना। जैसे ही मुझे कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण होता है, क्योंकि संजय भगवान का वह जो था ना विश्व रूप वो भी देख पाए थे, फिर विश्व के बाद भगवान ने चार भुजा वाला फॉर्म दिखाया था, फिर दो रूप वाला, तो भगवान संजय भगवान को डायरेक्ट देख पा रहे थे। तो यहाँ पे संजय क्या कह रहे हैं कि जब जब मुझे कृष्ण के उस अद्भुत रूप का स्मरण होता है तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होता जा रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है मेरे बाल से, मतलब वो बहुत रोमांचित हो गए थे, और रोमांचित होकर ये वह इन श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं। और ये सब बोल के धृतराष्ट्र को आखिरी श्लोक में क्या बोलते हैं, आप इसे कोई पढ़ना चाहेगा? ये दीदी मैं पढ़ू? हाँ जी मधुर जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्र योगीश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुधरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिमम। यहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये संजय का श्लोक है, आखिरी श्लोक। तो आपने देखा भगवत गीता धृतराष्ट्र के श्लोक से स्टार्ट हुई थी, है ना। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध पे क्या हुआ, फिर संजय ने सब कुछ सुना दिया युद्ध पे क्या हुआ। अब यहाँ पर ये समाप्त हो रही है संजय के श्लोक से। तो संजय ने क्या निष्कर्ष निकाला, धृतराष्ट्र तो सोच रहे थे कि कौन जीतेगा, मेरा पुत्र जीतेगा, क्या क्या होगा, लेकिन संजय ने क्या बोला कि जहाँ कृष्ण भगवान है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर ऐश्वर्य होगा, वहीं पर विजय होगी, वहीं पर अलौकिक शक्ति होगी और वहीं पर नीति होगी, इसलिए मेरा परमानेंट मत है। तो भगवान संजय ने ये कंक्लूजन देके जो भी धृतराष्ट्र की इच्छाएं थी उनको समाप्त कर दिया। धृतराष्ट्र को साफ साफ बता दिया कि पांडवों की विजय होगी, तुम्हारे पुत्र सारे मारे जाएंगे, क्योंकि जहां भगवान कृष्ण है वहीं विजय हो सकती है और वहीं विजय है। तो इस प्रकार से इस श्लोक से हमारी भगवद्गीता आज समाप्त होगी। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।